बात ख्याल में आ रही है, इस यतना की बात। हरियाणा के सोनीपत नगर से कोई 5-7 किलोमीटर के ऊपर एक गांव है, उसका नाम राजपुर है। किसी का काम पड़ा हो, श्रद्धे व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज की जन्मभूमि है, और वहां पर महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज उनकी जन्मभूमि है, और कई साधु सतियों की जन्मभूमि है। जैनों के वहां पहले बहुत अच्छे घर होते थे, और गांव में लगन थी संतों के। आज भी जाते हैं संत तो गांव के लोग उमड़ करके आते हैं। वहां एक बार राजपुर गांव में पूज्य गुरु महाराज योगी राज श्री राम जीलाल जी महाराज उनका पदार्पण हुआ, और संत भी थे, गए ठहरे। पूज्य गुरु महाराज योगी राज जी जिन्होंने दर्शन किए हैं वो जानते हैं, बड़े दिव्य महापुरुष थे। एक तो शरीर से बड़े बलवान थे, पहली बात तो ये कि देखते आदमी को क्या कहूं मैं, कई बार अपने संतों कहता हूं उधर तख्त के ऊपर अकेले विराजते ना, बस वही बहुत था। मैं ऐसा लगता तख्त जैसे भरा हुआ, इतना अच्छा लगता था। शोभायमान गुरु जी ने अपने गुरु की प्रशस्ति में लिखा, ऐसा लगता था पर्वतराज स्वयं में आकर के उपस्थित हो गया, इतना अच्छा लगते थे, शोभायमान थे। एक तो आदमी का स्थूल हो जाना वो बात नहीं थी, उनका तो अनुपात से था सबको, ऊंचाई दी सबको, शरीर का बलवान थे, और फिर हरियाणा के थे, आवाज बड़ी बुलंद थी। जब इधर गांव में उनका विचरण होता ना, जाते थे ना, तो गांव के लोग जो जमींदार होते ना, नुक तेरा बुढ़ा वाड़ा आया भाई, उसकी बात जरूर सुननी है। वो इतने ऊंचे स्वर में जब गाते थे कहते थे, लोग मुग्ध हो जाते, भाई बुढ़ा वाड़ा आया है। बड़े लोग आते थे राजपुर में भी, वो ठहरे। फिर बिहार भी करना होता है, एक दिन घोषणा कर दी भाई कल जाएंगे, ना जी ठहरो जी, बोले हमने भी जाना, हमने तो अपना मन हो गया भाई जाएंगे। ज्यादा आग्रह करना गुरु महाराज, बोले नियम पछखान करो कुछ, फिर देखेंगे। वो जैसे दर्शन सभी जगह से करते हैं, लाइन में लगकर दर्शन, गुरु महाराज जब दर्शन कर जाए, मेरे समय का नियम ले ले, किसी की स्थिति जी करवा दो जी, 1 साल का करवा दो, सारी उम्र का करवा दो, किसी ने माला का नियम ले लिया, किसी ने कुछ। उस लाइन में एक युवक भी लगा हुआ था, खड़ा हुआ था। वो ना तो जैन धर्म के बारे में उसकी कोई खास श्रद्धा थी, वो तो भजन सुनने आया था। बोले भाई वो बहुत बढ़िया भजन सुनाते हैं, वो तो इस भाव से आया था, उसका कोई धर्म से कोई खा लेना देना था नहीं। उसका नंबर आ गया, गुरु महाराज जानते नहीं थे, उसको वह नियम ले ले। बोले जी नियम वियम तो मैं कुछ किया नहीं करता, मेरे बस की है नहीं। बोले रे कुछ तो ले ले। कई बड़े अजीब तरह के आदमी टकरा जाते हैं साधुओं को, इतने बड़े संत, उन्होंने कहा भी नियम ले ले। बोला ये फिर अगर आप नहीं मानते तो दिला दो, नियम दिला दो। क्या नियम लेगा, यूं बोला वो, कंकर नहीं खाना। कंकर समझ गए, ये रोड़ा पत्थर के। बोले कंकर ने खाना, ये नियम दिला दो। वैसे तो बामला अगर मान लो मेरे जैसा कुछ होता गुस्सा ही कर लेता, कोई अकल है बात करने की तमीज है तेरे को, क्या बात कर रहा है। पर वो महापुरुष थे, बोले अच्छा ठीक है, कंकर नहीं खाना नियम कर ले, पर एक बात सुन ले पक्का रही हो। बोले हाँ जी पक्का रहूंगा। क्या बोस रहे बोस रहे, कंकर नहीं खाना नियम दिला दिया। वो तो अपना हंसता हुआ निकल गया, शायद उसने यही सोचा होगा भाई मैंने साधु को खूब बना दिया, और लोगों ने कहा बोल दिमाग खराब, इतने बड़े संत से क्या बात करी, इसने कुछ नहीं चलेगा। गुरु महाराज का बिहार हो गया, समय आगे सरका, एक घटना घटी। एक बार उस युवक को बुखार हो गया, बुखार हो गया
तो अब उपचार गांव में तब भी आज भी तब तो और भी कुछ ऐसे ही थे, बुखार हो गया कुछ जो कुछ दिया कुछ दवाई के रूप में वो तो रहा होगा, उसकी माँ ने उसके लिए खिचड़ी बनाई। ये राजपुर के सब लोग शायद किसे पूछे, अब चूंकि पुरानी बात होगी पुराने लोग आज भी कहे हमारे गांव में हुई थी ये बात, आज भी साक्ष्य है, और बोले महाराज राम जलाल ने नेम दिलाया था, उसकी माँ ने खिचड़ी बनाई। अब रात को खाते हैं लोग, वहां भी रात को खाने खिचड़ी बनाई थी उसकी माँ, खिचड़ी कटोरे में लेके आए, बोले ले बेटा खिचड़ी बना दी मैं तो खिचड़ी खा ले, तो खिचड़ी खा ले, बुखार हो रहा था उसको। बोले माँ रख दे अभी तो भूख है नहीं, थोड़ी देर में खा लूंगा, रख दे। उसकी माँ ने उसकी चार पाई के अब पाई के पास में वो किसी चीज से ढक करके कटोरा रख दिया, बोले खा लियो, बोले हाँ मैं खा लूंगा। माँ अपने काम में लग गई, लड़के को नींद आ गई, वो सो गया। कुछ देर के बाद में जो भी समय रहा घंटा दो घंटे बाद उसकी माँ देखने आई, उसने खाई कि नहीं खाई, खिचड़ी कटोरा ऐसी रखा हुआ था। तो माँ ने कहा अरे खिचड़ी खाई नहीं तने, बोले माँ लाभ दे दे खा लूं। बोले माँ ने हाथ लगा के खाओगा तने, तो ये अब गांव की भाषा बोल के बताना, शीले काकर बना दी, यानी ठंडे कंकर जैसे ठंडे बना दी, वो बोले तने तो ये शीले काकर बना दी। वो कांकर शब्द का उसको पता नहीं क्या बात लगी, बोले अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊं। बोले क्यों अब क्या हो गया, बोले तने इसको कांकर कह दिया, कांकर खाने का नियम है मेरा, कांकर खाने का नेम है मेरा, तो मैं ये अब तो नहीं खाऊ। बोले इतना खानी तो है नहीं, बहाने बनाने लग रहा है, ना खा ले मैं रख दे रहा, सुबह खा लियो, रात शाम के जो पर करते हैं प्रयोग और गांव में तो आमतौर पर करते, उसने उठाया कटोरा ढक के रख दे, जो सुबह खा लेगा अब नहीं खा रहा है, इसका मन नहीं है। चलो सुबह हुई, उसकी माँ कटोरा लाई, बोले ले खा ले, दूध डाल ले इसमें और खा ले। वो ले आई कटोरा, दूध डाल दिया, वो चलाया, उसमें तो छिपकली तैर के ऊपर ना आ गई, और वो खिचड़ी में पकी हुई थी, उसके हाथ से कटोरा गिर गया, माथा टोका उसने, बोला माँ क्या बात हुई। बोले हमारे तो कर्म फूट गए होते, हम तो किसी जान उसके नहीं रहते। बोले बात क्या हुई, बोले बेटा तने बड़ा अच्छा करा, तने खिचड़ी नहीं खाए। बोले क्यों, रात तो तू कर इतना खा बानने बना रहा तू। बोले बेटा के बताऊ, जुलम हो गया होता, हमारे तो कर्म ही अच्छे थे, देखे अच्छी पकली पड़ी, ये पता नहीं कहाँ से आ मरी खिचड़ी में, ये साथ ही पक गई रात को। ये सच की घटना है, ये कहानी घड़ी हुई नहीं है, राजपुर में गुरु महाराज योगिराज जी के दिले हुए नियम की बात है ये। बंद हो, उसने भी देखा, उसने भी हाथ करे, बोले माँ मैं तो मरी जाता। बोले बेटा नु तो क्यों कहते हो, बाकी हमारे साथ तो बहुत बुरी बनती, बहुत ही बुरी बनती, फेंक फांक दी वो तो होगी, फिर तो जो कुछ उसको देना था खिलाना था किया करा, उस लड़के के दिमाग में बात आती रही। बोले मैंने तो उनको महाराज को यूं ही कहा था बेकाने को टालने को कि कांकर खाने का नेम दिला दो, और महाराज यूं बोले देख पक्का रहियो, वो बात मेरे ध्यान में रहेगी, अगर ये मैं खा लेता तो आज तो मैं मर जाता, बहुत उनकी बात में दम रहा, बुखार उतर गया। पड़ोस में जैनों के बनियों करते, वो जमींदार का घर था, वो जिनके यहाँ घटना घटी उनके गया, जाके बोला जो भी रिश्ता नाता चाचा था वो, बोले महाराज आए थे अपने गांव में, बोले हाँ राम जी लाल जी महाराज, आजकल कहाँ है वो, बोले क्योंकि काम था, बोले दर्शन करके आऊंगा। बोले भाई वो रोहतक में है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, रोहतक के दूर है सोनीपत से, रोहतक जाऊंगा। वो रोहतक गया गुरु महाराज के दर्शन करने, वंदना करी, और आप समझ सकते हैं बड़े हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा करके बड़े नम्रता से बोला आपने गुरु जी बचा दिया हमें। गुरु महाराज बोले क्या बात हुई, बोले बस आप तो आपने बचा दिया। उसने घटना बताई कि मैंने तो जी उस समय यूं ही नियम लिया था,
और मुझे क्या पता था आपका आशीर्वाद इतना बड़ा है, मेरी तो जान ही बच गई। माँ ने उसे कांकर कह दिया और मैंने वो खाई नहीं। बोला वो, आज आप अपनी मर्जी से चाहे जो नियम दिला दो, अब मैं मना नहीं करूंगा और जो आप कहोगे उसके ऊपर चलूंगा। भाइयों, गुरु महाराज ने तब उसको नमोकार मंत्र सीखने की प्रेरणा दी। आता जाता रहा, सामायिक में भी लग गया, धर्म ध्यान करने लग गया, रात्रि भोजन ग्रहण करने का उसने त्याग कर दिया। संतों का बड़ा उपवास होगा, उनका घर अब तो कई घर हो रहे हैं, उनके घर के अंदर अब भी संत हर पानी को और को जाते हैं, जिनसे खाना खाते हैं, जमींदारों का परिवार। कई बार बात चलती है, बोले जी हमारा दादा होता था, मरने से बच गया वो, बोले ऐसा नियम दिलाया महाराज ने, वो बच गया। बंधुओं, बात चल रही थी, जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सहे जयंग भुंजंतो भाषंतो, सारे काम यतना से करें। अगर यतना से काम करेंगे, पाप कमंग न बंधे, भगवान का कहना है पाप कर्म का बंध नहीं होगा। इतनी बड़ी गारंटी ले दी, इतनी बड़ी बात कह दी, विवेक से काम करो तो फिर पाप कर्म का बंध नहीं होता है। तो जीवन में जितनी क्रियाएं हैं ये करते हुए पाप लगता है, बंद होता है, लेकिन विवेक से अगर की जाए तो फिर कर्म का बंद नहीं होता, पाप नहीं लगता। ये जो विवेक है ये इतनी बड़ी बात है। यहां मैं अपनी चर्चा से दूर नहीं गया, मैं बता रहा था मन समाज धारणता से क्या होता है, एक गगंग जनई एक गगंग से क्या, एकाग्रता से क्या होता है। तो कहां यहां पर बताया गया कि इससे ज्ञान की स्थिति आती है, और ज्ञान की स्थिति से बंधुओ विवेक उत्पन्न होता है, जीव के कर्म का बंध नहीं होता। पता चला ये मन समाधान कितने काम की चीज है, कितने महत्वपूर्ण चीज है, इससे क्या होता है, ये कितने आवश्यक है। बिना विचार किए ये काम नहीं करना चाहिए। बंधुओ एक बार पढ़ा, एक कवि हुए संस्कृत भाषा के, उनका नाम माघ था, बड़े प्रसिद्ध हैं माघ कवि। माघे संते, हाँ जी विकास मुनि जी, माघे संते त्रयो गुणा, माघ में तीनों गुण रहते हैं, किसके किसके, कालिदास का भी रहता है उपमा कालिदास से, कालिदास की उपमाएं वो माघ के अंदर मिलेंगी, और कवियों के नाम भी दिए कि माघ ऐसा कवि हुआ जो संस्कृत भाषा का बड़ा महान कवि माना जाता। ये सुख दुख अच्छे बुरे दिन सबको देखने पड़ जाते हैं। माघ बड़े कष्ट के दिनों से गुजर रहा था, यहां तक के रोटी की भी समस्या थी, और विद्वान था पढ़ा लिखा, ऐसी समस्या आ गई। वो घर से निकल पड़ा, और निकला किस भाव से, आत्महत्या के लिए, जैसा कथा में पढ़ा, मरने के लिए चल दिया। बोले क्या जिंदगी, क्या बेकार है सर, इतने विद्या पढ़े इतना ज्ञान पढ़ा, क्या फायदा हुआ इसका, कुछ नहीं, इसे अच्छा कहें डूब के मर जाएं। और वो घर से निकल गया, घर से निकल गया, पर मरना भी आसान नहीं होता। और मैं तो ये कहूंगा भाई मुश्किल है यही ठीक है, कोई ना मरे क्यों मरे आत्महत्या करके, पर वो मरने के लिए निकल गया। मरे कैसे, फांसी खा के मरे, कुएं में डूब के मरे, विद्वान तो था ही, डूब के मरेंगे तो बड़ा मुश्किल रहेगा भाई, पानी ऐसे अंदर घुसेगा बड़ा दर्द होगा, फांसी भी बड़ा मुश्किल काम है। क्या सोचा, तो जंगल जंगल चल दे, कोई शेर निकला है ना वो तेरे को जबरदस्ती पकड़ करके और मार करके खा जाए, ऐसे मर जाऊं। पर यूं सोचने से, यूं तो शायद शेर के गुफा पर चला जाए, शायद वो भी ना निकले, ऐसा ही होता है। वो जा रहा था, रास्ते में तालाब आया, पानी बड़ा अच्छा था तालाब का, प्यास लगी थी, वहां पानी तालाब के किनारे बैठा, हाथ मुंह धोए पानी पिया, तालाबों का पानी पीते थे लोग, साफ स्वच्छ जल था, उसको पानी पिया, पानी पी के बैठ गया, गुजारा कैसे होगा, न मरने में न जीने में कैसे गुजारा होगा।
ऐसे सोच रहा था। एक वहां कोई पेड़ का अच्छा मोटा सा वो पड़े डंडी से पड़ी थी, वो उठा ली। और कलम बनती थी पहले तो, वो ना कागज ना कोई कलम की बात, उठा ली। पहले तो उससे वैसे से करने लगा, दिमाग में कुछ विचार आया कि ऐसे तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, चलो कहीं चलेंगे, कहीं जा करके फिर देखो कहीं काम काज कोई बनता है, कोई शायद हमारी कथाएं सुन ले, कुछ कर ले। वो बैठा था, वो पेड़ के और डंडी सी को लेकर के बैठा था। उसने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा, सहसा न विदधेत, सहसा विदधेत ने क्रिया माघ, बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। मैं मरने के लिए चल दिया, घर से चल दिया, लेकिन ये बिना सोचे की बात होगी ना, तो वो अपने आप से कहने लगा, सहसा विदधेत ने क्रिया अविवेक है परमा पदम पदम, ये जो अविवेक से किया हुआ कार्य है ये महामुसीबत को देने वाला होता है। अपने से कहा, चल दिया मरने के लिए, अगर मैं ना मरा और बीच में पानी में भी छलांग लगा ली फिर मेरी क्या गति बनेगी। अविवेक का काम है, बिना सोचे बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदधेत ने क्रिया अविवेक है परमा पदम पदम, ये परमापदा मुसीबत को देने वाली होती है। वृणुते ही विमृश कारिणाम गुण लब्ध है स्वमेव संपदा है,